G20 सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम G20 DEWG की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के लिए सौभाग्य का क्षण। सीएम योगी ने कहा कि अमृत महोत्सव वर्ष में G20 की अध्यक्षता। वहीं सीएम योगी ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। बुक्सा जनजाति के लोगों के साथ संवाद, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बुक्सा जनजाति के लोग आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि केवल सरकार पर ही निर्भर ना रहें, बच्चों को शिक्षित करें और आगे बढ़ें, बेटा बेटी को स्कूल कॉलेज जरूर भेजें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा। प्राकृतिक इत्र को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान, सिंगापुर के मशहूर मुस्तफा ग्रुप के चेयरमैन ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के बाद डीएम शुभ्रांत शुक्ला से की मुलाकात। यूपी सीडा ने विदेशी डेलीगेशन को कराया निरीक्षण। ठठिया इलाका में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय इत्र पार्क। राज्यसभा लोकसभा की आज होगी कार्यवाही, दोनों सदनों में विपक्ष कर सकता है वॉकआउट। दोनों सदनों में आज हंगामे के हैं आसार। बजट सत्र के पहले हिस्से का आखिरी दिन। आपको बता दें कि सूत्र के मुताबिक राज्यसभा में विपक्ष की वॉकआउट की तैयारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे मुंबई, लोकसभा प्रवास योजना पर्व 2 में लेंगे हिस्सा। चेंबूर बीजेपी केंद्रीय कार्यालय पहुंचे अनुराग ठाकुर। कल सुबह 9:30 बजे होगा कार्यक्रम का आयोजन।